दिस 11th चैप्टर अंत लीला फर्स्ट फर्स्ट वर्स है. सो कृष्णदास गोस्वामी लिख रहे हैं, नमामि हरिदासम तम, मैं हरिदास ठाकुर को प्रणाम करता हूं और उनके स्वामी महाप्रभु को प्रणाम कर रहा हूं. और इनफैक्ट हरिदास ठाकुर का इतना सौभाग्य था कि संस्थितम यत चयत मूर्ति, चैतन्य महाप्रभु खुद हरिदास ठाकुर को अपने गोद में लेकर नाच रहे थे. वाज जस्ट डांसिंग. ओके, संस्थितम अपी चयन मूर्तिम, चैतन्य महाप्रभु खुद उनको गोदी में लेकर डांस कर रहे, इतना सौभाग्य है. जिन भगवान के चरणों की शरण लेने के लिए कई योगी ज्ञानी करोड़ों युग तपस्या करते हैं और फिर भी भगवान के चरणों के एक नख की एक किरण भी नहीं देख पाते, ऐसा भ्रम संहिता में लिखा है. उन वो भगवान हरिदास ठाकुर को अपने गोद में लेके नाच रहे हैं. ही वॉज सो हैप्पी, इतने खुश थे हरिदास ठाकुर से. ऐसा सौभाग्य किसी का भी नहीं हुआ है. आप भागवतम पढ़ लो, कोई भी लीला पढ़ लो, भगवान ने कभी अपने भक्त को अपनी गोद में लेके नहीं नाचे, कभी नहीं हुआ. कोई है, कोई एग्जांपल है? भीष्म पितामह को भगवान दर्शन देने गए थे, सिर्फ भीष्म पितामह अपना शरीर छोड़ रहे थे तो भगवान उनके सामने खड़े थे. ऐसा नहीं है कि उनको उठा लिया अपने गोद में और ही इज डांसिंग, वो जस्ट स्टैंडिंग. और भागवत में आता है कि भीष्म पितामह ने भगवान से रिक्वेस्ट की कि भगवान आप मेरे सामने रहिए कि आपका आपका जो सुंदर मुख है उसको देखते देखते मैं अपना शरीर प्राण त्याग दूं. चाट रहे थे चाटना वर्ड थोड़ा अजीब है ना. क्या नर्सिंग अवतार प्यार थोड़ा फनी सा है, इफ यू इमेजिन इट्स फनी. सो मगर डांस नहीं कर रहे थे लेकर, बस हम गोदी में रखा हुआ था अपने, दैट्स ऑल. और कोई अवतार नहीं है. लक्ष्मी जी को भी भगवान अपने गोद में लेकर डांस नहीं करते, लक्ष्मी जी तक को, जो कि उनकी वाइफ है. लक्ष्मी जी भी भगवान के चरणों में उनका वास करती है, चरणों का चरणों के मतलब सेवा करती है, बस इतना है. जबकि वो लक्ष्मी जी का घर उनके वक्षस्थल पे है, भगवान के विष्णु के वक्षस्थल पे, यहां पे विष्णु के वक्षस्थल पे रहती है. भगवान विष्णु के वक्षस्थल पे एक बाल है, उसका नाम पता है? एक श्रीवत्स, श्रीवत्स एक लाइन होती है, गोल्डन लाइन होती है. सो वो लक्ष्मी जी का घर है, वो उस रूप में रहती है वहां चेस्ट पे. मगर वो वक्ष स्थल छोड़ के भगवान के चरणों की सेवा करने जाती हैं. इनफैक्ट कृष्णदास गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में लिख रहे हैं कि भगवान के चरण सारे भक्त भगवान के चरण की वांछा करते हैं कि उनको इस चरण स्पेशल है. मगर यहां पे हरिदास ठाकुर को भगवान स्वयं के कृत्वा नाना अर्थय. सो हरिदास ठाकुर कौन थे और ये इतने भगवान के इतने प्रिय कैसे हो गए, इस चैप्टर में बता रहे हैं. ऐसे बाय द वे उनकी जो जो हिस्ट्री है, हरिदास ठाकुर कौन थे, वो ब्रह्मा जी के अवतार थे अगर हम पीछे हिस्ट्री में जाएं तो. क्योंकि आपको पता है जो कृष्ण लीला में ब्रह्मा जी ने भगवान की गाय चुरा ली थी, है नहीं? तो गाय चुरा ली तो कृष्णा बहुत गुस्सा हो गए ब्रह्मा जी से, क्योंकि और गाय और फ्रेंड्स भी चुरा लिए थे. एक्चुअली फ्रेंड्स भी चुरा लिए थे, सब कुछ चुरा लिए थे उन्होंने. सो भगवान गुस्सा हो गए. भगवान एक्चुअली इंद्र में भी भगवान इंद्र ने भी वर्षा की थी ब्रज में भगवान कृष्ण के ऊपर, तो भगवान ने गोवर्धन उठाया था. और ब्रह्मा जी ने भी प्रॉब्लम क्रिएट की, इंद्र ने भी प्रॉब्लम क्रिएट की, मगर भगवान इंद्र से दुखी नहीं, गुस्सा नहीं हुए, ब्रह्मा जी से गुस्सा हो गए. क्योंकि ऐसा भागवत में लिखा है कि इंद्र ने जो प्रॉब्लम क्रिएट की उससे भगवान को फायदा ही हो गया, क्योंकि भगवान ने गोवर्धन उठाया, मतलब इस लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली पे. और गोवर्धन लीला की वजह से 7 दिन
भगवान के सारे भक्त भगवान के साथ रहे गोवर्धन के नीचे। तो जहां उनको संग नहीं मिल रहा था, वहां जहां राधा रानी और गोपियां भगवान से छुप छुप के मिलती थी, वहां गोवर्धन लीला के नीचे वो साथ में बैठी थी। 7 दिन तक भगवान को देखते रहे, 7 दिन तक। और ऐसा वर्णन आता है कि गोवर्धन लीला में 7 दिन तक किसी ने कुछ नहीं खाया, क्योंकि भगवान को देखते देखते उनके दिन रात निकल गए, उनको पता ही नहीं लगा। इतने सुंदर थे भगवान, इतने सुंदर थे। सो इंद्र से इतने गुस्सा नहीं थे। इंद्र जब आया भगवान से माफी मांगने, तो भगवान ने बातचीत भी की इंद्र से, यह भी रिकॉर्डेड है। मगर ब्रह्मा जी से गुस्सा हो गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान के सखा भगवान से अलग कर दिए। सो यू सी द पॉइंट, कभी कभी भगवान की सेवा जो है वो ना चाहते हुए भी हो जाती है। इंद्र सेवा करना नहीं चाहता था, वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करना आता था, मगर उस प्रॉब्लम से भगवान को आनंद ही मिल गया। उसको भक्ति नहीं कहेंगे, मगर फिर भी इतनी प्रॉब्लमैटिक चीज नहीं है वो, क्योंकि भगवान को हैप्पीनेस मिल गई। क्योंकि भगवान को अगर भगवान के भक्तों का संग मिलता है तो भगवान खुश हो जाते हैं, ये आइडिया है। बस भगवान का क्रोध कम हो गया, कोई नहीं चलो ठीक है मेरे भक्तों के साथ तू। भगवान को सबसे गुस्सा आता है जब उनके भक्तों को उनसे अलग करते, बाकी आप कुछ भी करते रहो, भगवान के भक्तों के प्रति अगर हम अपराध करेंगे और भगवान से अलग करेंगे तब भगवान को गुस्सा आता है। भगवान माफ कर देते हैं, काम क्रोध लोभ मोह सब माफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी मंदिर में बैठ के कुछ भी गंध करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान को टॉलरेट कर लेंगे हम। अगर उनके भक्तों के साथ कुछ करोगे, उनको दुख दोगे, तब भगवान सहन नहीं करते। और ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों को दुख दिया नहीं, उनसे अलग कर दिया ना, तो सारे दोस्त लोग रो रहे थे कि हम कृष्णा कहाँ हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के दोस्तों को पकड़ के उनको सुलाकर कहीं और कहीं छुपा दिया था, आकाश में एक गुफा में छुपा दिया था सबको, गायों को और सबको। और फिर वो जब उठे उन्होंने कहा कृष्णा कहाँ हैं, बहुत दुखी से हो गए। सो भगवान से अलग कर दिया उनको। सो ये दोनों पास्ट टाइम का कंपैरिजन करोगे ना, तो ये आइडिया है उसके अंदर, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कंपेयर करके। सो अगर भगवान को खुश करना है तो बस एक ही चीज करनी है, क्या करना है, भगवान के भक्तों को खुश रखो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इफ यू वांट टू प्लीज द मास्टर पैट द डॉग। सुना है? अगर आप स्वामी को खुश करना आते हो तो क्या करो, उसके कुत्ते को पटा लो उसके कुत्ते को पुचकारो। या पंजाब में भी तो कहावत है आपकी, कौन बता रहा तुमने, दामोदर को बता रहे, गाय गाय क्या, गाय के बछड़े को, शेर का है क्या, ऐसा कहते हैं। अच्छा वो ट्राई नहीं कर सकते हैं शेरनी को काबू करना है तो शेरनी के बच्चे को पहले दोस्ती कैसे करेंगे उनसे इनसे ऐसे होता है नहीं। वैसे घर में भी होता है नहीं, घर में भी होता है, आपको आपका पेरेंट्स को प्लीज करना, उनके बच्चों को जाके वो कुची कुची कर लो तो पेरेंट्स अपने आप कहेंगे हाँ या सही है, ऐसे ही होता है। मतलब हमारे पास ही लोग आते हैं अपने बच्चों को और अपने साथ, तो हम भी हमें करना ही पड़ता है, मतलब उनको बच्चों को, हमें कोई इंटरेस्ट है नहीं बच्चों में, मगर फिर भी चलो ठीक है, कितना सुंदर है प्यारा है, तो पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। मतलब वैष्णव की खुशी के लिए हम कर लेते हैं, डिवोटी है ना वो। सो अगर डिवोटी खुश हो रहे हैं करने से तो ठीक है कर लो, हमारा क्या है, दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वैसे बच्चे मुझे अच्छे नहीं लगते फ्रेंकली, मतलब तो मेरी ड्यूटी लगी थी पीडियाट्रिक्स वार्ड में, मैं तो हॉस्पिटल में था ना इंटर्नशिप में, पीडियाट्रिक्स होता है ना बच्चों का वार्ड, तो एक महीना लगी थी, तो रोज रात को मैं बच्चों को बहुत तंग करता था, मतलब बिल्कुल उनके कभी नाक बंद कर देता था, कभी मुंह बंद, कभी हाथ मरोड़ दिया उनका, तो पूरी रात रोते रहते थे सारे बच्चे बच्चों को तंग करने मजा आता है, वैसे आता भी है नहीं, आता है नहीं आता है सम हाउ इट्स लाइक दैट, क्यों सही नहीं कह रहा मैं, आता है नहीं आता है छोटे बच्चों को तंग करने, आता है। सो कौन सा रस है ये भी कोई रस होगा, होगा तो सही, कोई तो रस होगा। सो इट्स इंटरेस्टिंग, ये क्या है किसका बजाय,
सो बस ये ध्यान रखो, अगर भगवान को खुश करना है तो भगवान के भक्तों को खुश करो। मतलब इंद्र ने भगवान के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी पूरे व्रज के लिए। यू कैन इमेजिन, पूरे व्रज को मैं बाढ़ लिया है, सबके घर टूट गए, इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? 7 दिन खाना नहीं, खेती नहीं, गाय मर गई, मगर फिर भी भगवान खुश थे। क्यों? क्योंकि उनके भक्तों को आनंद मिला, उनके भक्तों ने भगवान के दर्शन किए, बड़े खुश थे, उन्होंने कहा चलो यार। तो इसलिए भगवान खुश हो गए, भगवान ने सारे अपराध माफ कर दिए, सारे अपराध, सिर्फ इस एक फैक्ट से। अब इमेजिन कर सकते हो, अगर मतलब बहुत बड़ी चीज कर दी थी इंद्र ने, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, अगर पूरे राजवर में बाढ़ आ जाए, आपके घर टूट जाए, आपके हैं मरी वरी, मुझे क्या, कोई नहीं मरा था, नहीं मरी वरी नहीं, मतलब सब तो गायब होने कर के, सब गायब अंदर चले गए थे सब। सो सब ठीक है, सेफ थे, बट इट वॉज अ प्रॉब्लम। 7 दिन तक पूरा अंधेरा, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, बट भक्तों, भगवान ने कहा चलो मेरे भक्तों का आनंद मिल रहा है, माफ। इंद्र आए, इंद्र ने प्रणाम भी किया भगवान को, जब सब हो गया ना, ठीक हो गया, तो इंद्र डर के आया कि भाई मैं माफी मांगू, तो भगवान ने कहा कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं इंद्र, आगे से ऐसा मत करना, बस कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें अहंकार आ गया था। ब्रह्मा जी को नहीं बोला भगवान, ब्रह्मा जी चोरी करके ले गए, और ज्यादा कुछ बड़ा काम भी नहीं हुआ, थोड़े से सखा चोरी करके ले गए थे, व्रज पूरा सही था, और फिर आ गए दे दिया। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने परिक्रमा भी की भगवान की, इंद्र ने ऐसा कुछ नहीं किया था परिक्रमा विक्रमा, इंद्र ने तो अपना मुकुट रखा के रख दिया। ब्रह्मा जी आए, परिक्रमा की, प्रार्थना की, बहुत बड़ी प्रार्थना है 10th कैंटो में, आप पढ़ोगे 10th कैंटो 14 चैप्टर में, इंद्र ने प्रार्थना भी नहीं की थी, कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा, इतने सारे श्लोक हैं, भगवान ने कुछ नहीं बोला, भगवान चुप रहे बस। तो ब्रह्मा जी ने कहा अब आप देखो, आपसे अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, माफी मांग रहा है, और आप कुछ नहीं बोलो, तो वो और बुरा है नहीं, वो और खतरनाक चीज है। अगर आप बोल रहे हैं तो उससे खुश नहीं हो, तो फिर भी चलो ठीक है, उन्होंने बोल दिया, अगर आप कुछ नहीं बोलो तो वो बहुत मेंटल टॉर्चर है वो। क्यों चंद्र, वो है नहीं टीचर, होता है नहीं होता है, कुछ नहीं बोलना बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर है। मान लीजिए मेरे पास आओ कि प्रभु जी माफ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुंह उधर कर लूंगा, अब कैसा लगेगा आपको? आप पूरी रात सो नहीं पाओगे आप, है नहीं? चलो मैं बोल दूं, चलो खुश नहीं हूं, ठीक है, चलो तुमने गलती कर दी, आप प्रभु जी प्लीज प्लीज, मैं कुछ नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं। ये बहुत बड़ी, ये एक्चुअली जो पनिशमेंट्स हैं, तो राजधर्म में लिखा है, नीति शास्त्र में, कि तो 10 टाइप की पनिशमेंट्स होती हैं जो राजा देता है अपने सब्जेक्ट्स को। पनिशमेंट के वो पनिशमेंट के नेम्स भी हैं, क्या क्या देगा उसे। पहली पनिशमेंट है सेंशर। सेंशर समझते हो? सेंशर मतलब निग्लेक्ट, ये जो मैं कह रहा हूं ना, बात ही नहीं करनी, सबको मना कर देंगे बात नहीं करनी, और वो साइकोलॉजिकली टॉर्चर हो जाएगा। तो भगवान ने यही कर दिया, भगवान ने ना मारा ना कुछ किया, अगर पीट भी तो तब भी ठीक है, चलता है नहीं, कोई माँ बाप मांग रहा आपने पीट दिया, चलो ठीक है यार, चलो उसने गुस्सा तो निकाल दिया, यहां तो पता ही नहीं लग रहा। ब्रह्मा जी को इतना टॉर्चर हुआ, और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी चले गए, फिर प्रणाम करके चले गए, उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब क्या करें। ब्रह्मा जी ने आके तपस्या की, और नवदीप में जाके तपस्या की, और वहां पे जब तपस्या की बहुत सालों तक, तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने कहा प्लीज भगवान अब तो माफ कर दीजिए मुझे, और मेरी प्रार्थना आपसे ये, पहले इतनी लंबी चौड़ी प्रार्थना करके आए थे जब कृष्ण से मिले थे कृष्ण लीला में, आप पढ़ के देखो, कृष्ण आप महान है, आप नारायण है, और जैसे माँ के घर में बच्चा होता है, बच्चा लात मारता है तो माँ को गुस्सा थोड़े ना आता है, पेट में लात पड़ती है नहीं पड़ती है, होता है नहीं होता है, तो मजा ही आता है उसमें। तो ऐसी मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं भी आपका बच्चा हूं, मैंने आपको लात मारी है, आप तो मेरे पिता हैं, ऐसी प्रेयर्स की है। मगर जब यहां पे भगवान प्रकट हुए तो क्या प्रेयर की ब्रह्मा जी ने? ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा भैया भगवान इसे संतुष्ट नहीं होंगे, बहुत गुस्सा है, क्योंकि मैंने भगवान के भक्तों को दुख दिया है। तो उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान अब मुझे अपने अगले जन्म में एक मलेच्छ परिवार के जन्म में परिवार में जन्म दीजिए। मलेच्छ समझते हो ना, नहीं हाँ मीरिटर्स, तो हाँ तो हाँ तो ये तो इसका रिकॉर्ड नवदीप महात्मा में है, भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, प्रभुपाद आई थिंक चलते चलते कि पोपट में भी लिख रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं पोपट, ब्रह्मा जी का थोड़ा मेंशन कर रहे होंगे,
सो यमन कुल में जहां पे मीट खाते हैं और लो फैमिली में वहां पे जन्म दीजिए कि जिससे मुझे दोबारा अहंकार ना आ जाए। क्योंकि ब्रह्मा जी जब मैं मतलब पहले तो मुझे अहंकार कहते मैं ब्रह्मा हूं और मैं आपको टेस्ट करने आ गया, अब मैं नीच परिवार में पैदा हूं कि मुझसे अहंकार नहीं आया कि मैं महान आदमी हूं और फिर मुझे अपने अपराधों का फल भी मिले। ये प्रार्थना की उसी ब्रह्मा जी की प्रार्थना बिल्कुल चेंज हो गई। उनको समझ आ गया तपस्या करके, उनको अपनी गलती समझ आ गई कि मेरी गलती ब्रह्मा जी की गलती यह नहीं थी कि उन्होंने भगवान का टेस्ट लिया। मेन गलती यह थी कि उन्होंने भगवान को भगवान के भक्तों को दुख पहुंचाया। टेस्ट तो क्या है, टेस्ट तो ठीक है तुम ले लो, 10 टेस्ट ले लो क्या फर्क पड़ता है। इंद्र भी तो टेस्ट ही ले रहा था कृष्ण का, इंद्र को भी समझ नहीं आ रहा था कि बच्चा भगवान कैसे। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली, इंद्र ने भी ली, मगर दोनों में फर्क था उन परीक्षा में। सो ब्रह्मा जी ने माफी मांगी और भगवान ने कहा ठीक है ब्रह्मा तुम अगले जन्म में एक मुस्लिम परिवार में पैदा होगे, मीट खाओगे यमन कुल में और लो फैमिली में पैदा होगे, लोअर कैलिबर फैमिली में, नीच फैमिली में, और मगर तुम मेरे बहुत बड़े भक्त होगे, ये तुम्हें वरदान देता हूं मैं क्योंकि उन्होंने तपस्या भी की है मेरी। और वो ही ब्रह्मा जी उसके बाद चैतन्य कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट हुए। और क्योंकि भगवान ने ब्लेसिंग दी थी कि बहुत बड़े भक्त हो गए तो इसलिए वो बचपन से ही हरिनाम करते थे, पैदा होते ही भगवान का नाम लेते रहते थे। ये हरिदास ठाकुर है, अपने खुद ही लेते थे, उनको इंटरेस्ट था भगवान का नाम लेने में। बल्कि वो इतने महान थे कि एक बार मुस्लिम जो राजा उन्होंने पकड़ लिया हरिदास ठाकुर को कि भी तुम मुस्लिम होके तुम कुरान क्यों नहीं पढ़ते, अल्लाह का नाम क्यों नहीं लेते, तुम्हें हिंदू का नाम ले जा रहे हो हरे कृष्ण। मुस्लिम राजा ऐसा सोच रहा था तो हरिदास ठाकुर ने कोई फर्क नहीं अल्लाह और कृष्ण में, भगवान ही है, दोनों भगवान के नाम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मुझे कृष्ण नाम से अपने आप आकर्षण होता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कुरान भी पढ़ूंगा, मैं तो अल्लाह भी ले लूंगा, मगर हरे कृष्ण नहीं छोड़ सकता मैं, ये कृष्ण भगवान मुझे आकर्षित करते हैं। आपको पता है कई मुस्लिम सेंट्स भगवान कृष्ण के भक्त हुए, पता है ना, ऐसे उदाहरण के लिए कौन है, रस खान तो रस खान किसके शिष्य थे पता है, किसी को किसके शिष्य थे रस खान, कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए, किसके शिष्य हुए कोई बता सकते है? नहीं पता किसी को, लो वल्लभाचार्य के, वल्लभाचार्य के डिसाइपल है रस खान, और उनकी बुक उनकी मतलब तो मैंने पर्सनली उनके सॉन्ग्स पढ़े हैं, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, बहुत सुंदर सॉन्ग्स हैं। तो और कौन है मुस्लिम सेंट जो भगवान कृष्ण का भक्त बना है, चांद का जी, चलो मैं आपके लीला में डिवोटी बना नहीं था बनने पता नहीं, बट और कौन से डिवोटी है किसी को नहीं पता, इतनी मोटी बुक लिखी है एक डिवोटी ने, मुस्लिम सेंट्स ऑफ कृष्णा। कई फीमेल सेंट्स हैं इस्लाम मुस्लिम सेंट्स जो कि कृष्ण की भक्त बनी है, अब वो आप पढ़ना उसके बारे में, गूगल में देख लेना, गूगल बता देगा आपको। बट दैट वॉज हरिदास ठाकुर, तो बचपन से भगवान का नाम ले रहे, तो ये जो मुस्लिम जो राजा था उसने कहा भगवान का नाम छोड़ दो तुम कुरान को लो, हरिदास ठाकुर ने कहा ठीक है मैं हरे कृष्ण, मेरी जीभ खुद ही जप करती है मैं क्या करूं, खुद ही चलती रहती है कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो राजा ने कहा भी ऐसा है कि हम तुम्हें मार देंगे, हरिदास ठाकुर ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, खंड खंड यदि होए दे अमार तब वो ना छाड़े वे आमी हरि नाम, अगर मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तब भी मैं भगवान का नाम लेना नहीं, मेरा हर टुकड़ा अपने आप नाम लेगा। ये भक्त होते हैं नहीं, जैसे आपको महाराष्ट्र की सेंट पता है वो कौन, जीजाबाई थी, कौन थी एक संत थी ना, नहीं जीजाबाई महाराष्ट्र में, जीजाबाई थी जनाबाई, ये वो तो उसकी बहन, तो उनकी बहन थी ना आपकी ज्ञानेश्वर जी की बहन जो भी है, तो वो जो संत जनाबाई जनाबाई जीजाबाई जो भी है, तो वो एक बार अपने उपले बना रही थी, पता है स्टोरी सुनी है ना, उपले बना रही थी अपना, तो कबीर को बोला कि बहुत बड़ी सेंट है उनसे जाके मिल के आओ, तो वो विठल जी की भक्ति करती थी, वहां पे विठल जी के संत है ना भक्त है, तो करी तो कबीर जी गए तो कबीर ने देखा कि भी वो अपने उपलों के लिए लड़ रही है किसी और से, मेरा उपला, तो उन्होंने कहा यार तो मैं जा रहा हूं,
जब जा रहे थे तो पीछे से फिर उसको आवाज सुनाई दी, तो जीजा भाई ने कहा देखो ऐसा है एक तरीका है हमारे उपले चेक करने का, जिस उपले को कान में लगाओगे जिसमें से विट्ठल विट्ठल नाम आएगा वो मेरे हैं, जिसमें से नहीं आएगा वो तेरे हैं। कबीर ने जाके कहा गप तो नहीं मारी, उसने सुना तो उसमें विट्ठल विट्ठल नाम आ रहा था। दैट्स अ डिवोटी। प्रभुपाद के साथ भी होता है एक बार, तो प्रभुपाद के कोई डिसाइपल बताते हैं, इट्स नॉट रिकॉर्डेड बट इट इज सैड कि प्रभुपाद एक बार जुहू में थे और प्रभुपाद बीमार तो रहते ही थे, तो डॉक्टर आया, डॉक्टर ने अपने वो नहीं स्टेथोस्कोप नहीं होता आला, तो उसने यहां लगाया पीछे, तो उसको हरे कृष्णा सुनाई दे रहा था। तो उसने कहा ये क्या है, वो घबरा गया, उसने कहा वो तो घबरा ही जाएगा, मतलब अगर हम डॉक्टर हम लगाएंगे कुछ ऐसा सुनाई देगा हम कहेंगे भैया क्या हो गया है। एनी वॉज लिसनिंग ही टोल्ड प्रभुपाद, प्रभुपाद मुझे हरे कृष्णा सुनाई दे रहा है। प्रभुपाद को बोला तो प्रभुपाद ने कहा बीमार हूं पर नॉर्थ से सुनाई देगा। सो दैट वॉज प्रभुपाद। सो ये महान डिवोटीज होते हैं, हरिदास ठाकुर ऐसे भक्त है। अब हरिदास ठाकुर इस तो प्रिय ही होंगे नहीं, बचपन से 300,000 नाम लेते थे वो, खुद ही उन्होंने शपथ ले ली थी 300,000 खुद ही अपने आप से, मतलब उनको किसी गुरु ने नहीं कहा था कि तो 300,000 नाम लो ये करो, खुद ही उन्होंने कहा ठीक है मैं रोज 300,000 नाम लूंगा। 300,000 मतलब 22 घंटे लगेंगे आपको, 300,000 नाम लेने में 22 घंटे लगते हैं, और नहाना धोना पता नहीं कब करना है क्या करना है, सुपर सुपर ह्यूमन फीट है और कुछ नहीं है, दिन रात नाम लेना प्लस प्रीचिंग भी करना। हरिदास ठाकुर के गुरु कौन थे किसी को पता है? क्यों? चलो ये होमवर्क है, आप नए लोगों को तो नहीं पता होगा जो पुराने डिवोटीज हैं, होमवर्क है, हरिदास ठाकुर के गुरु कौन है मुझे बताना, दैट्स अ रिसर्च टॉपिक। सो गुरु तो होंगे ना कोई, उनके गुरु लेस तो नहीं हो सकते, गुरु थे उनके नरोत्तम दास, अब चेक करके दिखाना। सो हरिदास ठाकुर ने अपने आप से शपथ ली 300,000 नाम लूंगा, ये होते हैं डिवोटी, और 5 साल की उम्र से 300,000 नाम ले रहे थे। 5 साल का बच्चा कुछ कर सकता है? उसको तो होश भी नहीं होता। ही वाज चैंटिंग 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 चैंटिंग, इसलिए उनका नाम नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर पड़ा। सो उनके बारे में क्या है, अब वो अब ये जो चैप्टर है वो अपना शरीर छोड़ रहे हैं, अपनी लीला अंत कर रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने आए, तो अब एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या हो रहा है। सो दया सिंह, जय जय श्री चैतन्य जया दयामाए जय अद्वैत प्रिया नित्यानंद प्रिया जय। कृष्णा के स्वामी सबकी वंदना कर रहे हैं, और फिर आगे 11th verse में वो पास्ट टाइम शुरू कर रहे हैं, और इस पास्ट टाइम में कह रहे हैं वो, नाउ लेट्स रीड दिस। एमत महाप्रभु नीलाचल वसे संगे भक्त गण लैया कीर्तन विलास। बंगाली समझ आ रही सबको? थोड़ी बहुत तो आ रही होगी। तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी में बैठ के मतलब जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, और अपने भक्तों के साथ लीला कीर्तन करते थे 24 घंटे, नाम कीर्तन रूप कीर्तन गुण कीर्तन लीला कीर्तन, और सुन रहे हैं और अपने डिवोटी का शेयर कर रहे हैं भगवान के गुण। स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु को सुनाते थे भगवान के गुणगान, और महाप्रभु सुनते रहते थे और बोलते रहते थे आगे कहो आगे कहो आगे कहो और कहो और कहो, मेरे कान प्यासे हैं भगवान के बारे में सुनने में। सो एक्चुअली प्रभुपाद कोट कर रहे हैं भागवतम में विश्वा चक्री ठाकुर को, कोट कर रहे हैं जिस दिन आपके कान को प्यास लगने लगे और आपकी आंखों को भूख लगने लगे, उस दिन समझ लो कि मैं भक्ति आ गई। समझ गए नहीं समझ गए? भगवान को देखने की भूख और भगवान के बारे में सुनने की प्यास। सो तब समझ लो भक्ति। जिस दिन आपके जिस दिन कैसे लिखा है नहीं या इट्स अ डिफरेंट थिंग। सो महाप्रभु कह रहे हैं और बोलो भगवान के गुणगान, सुन रहे हैं दिन रात सुनते जा रहे हैं सुनते जा रहे हैं सुनते जा रहे हैं। भगवान के गुण है ही ऐसे नहीं, भगवान के गुण ऐसे हैं कि आप थोड़ा सुनोगे और सुनने का मन करेगा, भगवान को देखोगे और देखने का मन करेगा, ऐसे ही है ना, सुंदर है नहीं है, आकर्षित तो करते ही है कृष्णा, ये कृष्ण का नाम ही है जो आकर्षित करे। दिने नित्य कीर्तन ईश्वर दर्शन। सो चैतन्य महाप्रभु का रूटीन क्या था, दिन में महाप्रभु कीर्तन करते थे पूरे दिन,
और डांस करते थे। महाप्रभु का नाम था गौर नटराज, गौर नटराज कहते हैं उनको। सो तो वैसे तो शिवजी को कहते हैं नटराज, है नहीं कहते नहीं, मगर चैतन्य महाप्रभु शिव जी के गुरु हैं, उनको गौर नटराज कहते हैं। सो ही वॉज डांसिंग रात्रे राय स्वरूप सने रस आस्वादन। यू सी व्हाट ही इज डूइंग नाउ, दिस इज अ टीचिंग। दिन में वो नृत्य कीर्तन कर रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं, दिन में प्रीचिंग कर रहे हैं जैसे प्रचार करते हैं, और रात को रस आस्वादन कर रहे हैं। स्वरूप दामोदर रामानंद राय उनके फ्रेंड्स थे, और रात को बैठ के वो अपने फ्रेंड से बोलते थे चलो मुझे सुनाओ भगवान के गुणगान। कृष्ण करना अमृत गीत गोविंद सुनते थे, भगवान के क्वालिटीज, और उसको सुन के आस्वादन करते थे। सो ये डिवोटी के दो लाइफ हैं, दो चेहरे हैं। जनरली क्या होता है, जनरली डिवोटीज एक एक ही पॉइंट पे फिक्स रहते हैं, मतलब या तो प्रीचिंग में पड़े रहते हैं, नहीं या तो सिर्फ प्रीचिंग चलती है। तो क्या होता है, बाहर से प्रीचिंग चल रही होती है, अंदर से क्या होता है, अंदर से सूख जाते हैं वो, अंदर से रेगिस्तान बन जाते हैं। जनरली ऐसा होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, होता है नहीं होता है, आप प्रीचिंग करते रहो करते बुक डिस्ट्रीब्यूशन और ये अंदर से। कुछ लोग सिर्फ रस आस्वादन करते रहते हैं बैठ के और प्रीचिंग जीरो, उस रस को बांटते नहीं, उसको अपने पास रखते हैं। सो वो रस एक दिन जमा होते 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 जहर बन जाता है नहीं। दूध को भी कंटेनर में रख दो, दूध तो वैसे अमृत है ना, एक कंटेनर बंद करके रख दो तो क्या होगा, सड़ जाएगा, नहीं सड़ जाएगा, फिर जहर बन जाएगा। तो वो रस जो है उसका रस का उल्टा करो तो क्या बनेगा, आर एस ए का आसार, आर एस ए आसार बन जाएगा, सार नहीं रहेगा उसके अंदर, वो हार्म करने लगेगा, अहंकार आ जाएगा उसमें। सो इसलिए महाप्रभु हमें टीचिंग कर रहे हैं दोनों एस्पेक्ट होने चाहिए, अपना भजन भी होना चाहिए, उसमें रस भी आना चाहिए, रस आस्वादन होना चाहिए, और प्रीचिंग भी होनी चाहिए। सो दिन में प्रीचिंग करो, रात को चैंटिंग करो, अब भगवान के गुणगान सनोगा कर सकते हो। भक्तिविनोद ठाकुर करते थे ऐसा, भक्तिविनोद ठाकुर पूरे दिन प्रीचिंग करते थे और पूरी रात बैठ के चैंटिंग करते थे, मतलब भक्तिविनोद ठाकुर 10 बजे सोते थे, 12-1 बजे उठ जाते थे और पूरी पूरी रात चैंटिंग करते थे। ऑफकोर्स हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मगर हम लोग इतना जरूर कर सकते हैं कि दोनों चीज पे फोकस करो हमेशा, अपनी इंटरनल लाइफ और एक्सटर्नल लाइफ, दो लाइफ है ना हमारी, एक्सटर्नल और एक इंटरनल। सो दोनों को नरिश करना पड़ता है, नरिश समझते हो, नरिश कैसे कहेंगे, दोनों को पोषण करना पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा, धीरे 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 आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। बैलेंस चाहिए दोनों का, महाप्रभु कर रहे हैं बैलेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर आप अंदर की इंटरनल लाइफ नरिश करना चाहते हो रस आस्वादन, तो कैसे होगा, राय स्वरूप सने, अच्छे डिवोटी जब जाओ और डिस्कशंस करो, तभी तो हम कहते हैं कि भी जो जैसे सीनियर डिवोटीज हैं, जो आप लोग टाइम हो गया मिलो साथ में, और साथ में मिलके भगवान के बारे में डिस्कशन करो, तो वो नरिशमेंट आएगी। और बाकी पब्लिक में अपना नॉर्मल प्रीचिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस्कॉन में जितने भी डिवोटीज हैं जो प्रभुपाद के टाइम से अभी तक हैं, मतलब जो सन्यासी बन गए, वो बन गए, वो बस वो ही हैं अभी तक जिन्होंने बैलेंस बनाया है। जिन्होंने बैलेंस नहीं बनाया वो आज की डेट में इस्कॉन में नहीं है, चाहे वो गुरु ही हो, या तो वो गिर गए या चले गए। प्रभुपाद जब थे, प्रभुपाद के टाइम कुछ डिवोटीज थे फॉरनर्स, तो वो वृंदावन में, तो उन्होंने क्लब बनाया था, गोपी क्लब, गोपी भाव क्लब है ना, क्लब बना लिया था फॉरनर्स नहीं, तो वृंदावन में गए, उन्होंने गोपी भाव क्लब बनाया, राधा कुंड पे रह रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम तो भगवान की लीला का स्वादन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद को पता लगा, और प्रभुपाद ने उनसे कहा कि तुम लोग राधा कुंड नहीं, तुम लोग नरक कुंड पे रह रहे हो। उन्होंने लेटर लिख के भेजा, भक्ति संध्या कह देते। सो प्रभुपाद ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया इस चीज को, और प्रभुपाद ऑन द कॉन्ट्ररी, प्रभुपाद के बहुत डिसाइपल्स थे, भावानंद और हरिकेश महाराज और ये बहुत बड़े बड़े प्रीचर्स, मतलब इतने बड़े प्रीचर्स प्रचारक थे ये, कि इनके पास इनके हजारों शिष्य थे। मतलब हरिकेश महाराज तो ऐसे प्रीचर थे कि रशिया में प्रीचिंग करते थे, कई टाइम रशिया में प्रीचिंग किया, और उनके मंदिर में पता क्या था, जो डीटीज थी गौर निताई की और राधा कृष्ण की,
उनके मंदिर में फूल से डेकोरेशन, उनके मंदिर में किताबों से डेकोरेशन होती थी, ऐसा होता था उस टाइम। गॉड ने तो ऐसे खड़े होते ना, तो यहां पे गीता, यहां पे गीता, गीता की माला बनी होती थी, गीता पड़ी हुई है, भागवतम। वो बुक स्मगल करते थे रशिया में, रशिया में अलाउड नहीं था, रशिया में उस टाइम किताब डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड नहीं थी, क्योंकि रशियन कम्युनिस्ट कंट्री थी ना, लेनिन मार्क्स, तो स्मगलिंग करते थे बुक्स की, मतलब गीता का कवर हटा के उस पर कुछ और कवर लगा के फिर बॉर्डर से स्मगलिंग होती थी, फिर अंदर वो पर्सनली अपने फिर दोबारा कवर छाप के दोबारा करके उसकी कॉपीज बना के ऐसे ऐसे स्मगलिंग करते थे। इट वॉज वेरी रिस्क, ही वॉज डूइंग लाइक दैट, ही वॉज वेरी वेरी पावरफुल, मगर बाद में उनका फॉल डाउन हो गया। बाद में कई सालों की सर्विस के बाद, मैं माया बता रहा हूं क्या होती है, इतना सब कुछ करने के बाद, 30 साल सर्विस करने, इतनी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, प्रभुपाद बहुत कुछ थे, वो एक लड़की लेके भाग गए और मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस कौन से लेके चले गए। मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इसलिए नहीं कि अच्छे डिवोटीज नहीं है इस कौन में, बहुत अच्छे अच्छे डिवोटीज भी अभी भी इतने सारे महाराज हैं, मगर माया की शक्ति बता रहा हूं कि माया होती क्या है, माया बच्ची नहीं है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा पता है क्यों होता है, एक ही चीज से होता है, एक बैलेंस से आदमी खो जाता है। तो क्या होता है प्रीचिंग में, क्या होता है एक हसल बसल लाइफ में ना, आदमी इतने डिसाइपल्स हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो वो उसमें खो जाता है, वो एक अपनी साधना और अपनी इंटरनल लाइफ वो खो देते हैं, वो बैलेंस। तो अंदर से एक रेलिशमेंट हार्ट में, रेलिश रेलिश समझते हो ना आप लोग, वो रस वो ब्लिस चला जाता है, और फिर धीरे 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 अगर भगवान में आनंद नहीं आ रहा तो संसार में आनंद आने लगेगा, देखना ऐसे ही होगा। मगर इतने अच्छे अच्छे डिसाइपल्स हैं इस्कॉन में, अभी इतने सारे महाराज हैं जिन्होंने बैलेंस बना के रखा। इस्कॉन की बात नहीं हो रही, ये हर जगह ऐसा ही है, इस्कॉन की बात नहीं है, ये इस्लाम क्रिश्चियनिटी ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, जो बैलेंस बनाने की रखेगा वो चला जाएगा। इसलिए हमेशा दोनों चीज होनी चाहिए, प्रीचिंग और साधना। साधना समझते हो ना, अपनी साधना, और साधना में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, भगवान का नाम, सिर्फ नाम नहीं है, संकीर्तन है, संकीर्तन समझते हो, सिर्फ कीर्तन नहीं है, डिवोटीज के साथ रह के नाम लेना वो बहुत जरूरी है। डिवोटीज के साथ रह के चैंटिंग करो, डिवोटीज के साथ रह के डिस्कशन करो भगवान के बारे में, चैतन्य चैतन्यता, और तो महाप्रभु से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं करने की। सो दिने नित्य कीर्तन ईश्वर दर्शन, रात्रे राय स्वरूप सने रस आस्वादन। दैट्स वेरी नाइस। अब तो हम लोग पहले करते थे जब एकादशी, एकादशी के हम रात को कीर्तन करते थे ना हम लोग, आप लोग होते थे ना, अब नहीं करते, अब थोड़ा सा मैं बीमार हो गया था, बट इट वॉज नाइस, पूरी रात हम कीर्तन करते थे। एंड हमने दिल्ली में भी किया, क्यों माधुर दिल्ली में भी किया हमने, नहीं सो दिल्ली में हम लोग करते थे पूरी पूरी रात कीर्तन। इनफैक्ट आजकल भी महाराष्ट्र में अभी करते हैं पूरी रात कीर्तन, महाराष्ट्र में जाओगे ना ट्रेंड है, एकादशी वहां पे ऐसी मानी जाती है, ऐसे फेस्टिवल होता है। कभी पंडरपुर गया कोई यहाँ, पंडरपुर और कोई गया, पंडरपुर एक बार जाके होके आना, एकादशी के दिन नहीं हो गया आप लोग, नहीं एकादशी पे थे आप लोग, तो कभी नहीं गए आप लोग। लो वो कहते हैं ना, जो गंगा जी के पास रहते हैं गंगा जी नहीं जाता। हाँ गुजरात में बैठे हो, पंडरपुर नहीं गए, पास में तो है महाराष्ट्र। सो पंडरपुर जाओगे एकादशी के दिन, वहां पे एकादशी के दिन वहां पे टेंट लगे होते हैं, मतलब कैंप्स लगे होते हैं, पूरे महाराष्ट्र से लोग आते हैं, जैसे रामलीला उसमें कैंप नहीं लगे होते, वो टेंट लगे होते हैं। सो पूरे महाराष्ट्र से लोग आते हैं, बच्चे बच्चे कीर्तन करते हैं पूरी रात, इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा लगता है। सो एक्चुअली ये करना चाहिए हमें, चलो हर एकादशी कर लो एक दिन, या कल गौर पूर्णिमा के दिन कर सकते थे हम पूरी रात, दैट वॉज इंटरेस्टिंग। हो सकता था नहीं, क्यों नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता था। हो सकता था, जिसको ज्वाइन करना है कर लेता, उसमें क्या है, तो एक बजे तक दो बजे तक कर लो फिर सो जाओ, उसमें क्या प्रॉब्लम है, नहीं उठ पाओगे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सो महाराष्ट्र में जो करते हैं ना एकादशी को रात को कीर्तन, फिर अगले दिन सब जॉब भी जाते हैं। सो एनीवे मैं तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं है कि, बट आइडिया ये है
आइडिया ये नहीं कि जागना है नहीं जागना, आइडिया ये है कि बैलेंस रखो अपनी लाइफ में, बैलेंस। और वो बैलेंस बैलेंस वो रस आस्वादन भक्तों के साथ होता है, अकेले नहीं कर पाओगे आप। ये अकेले नाम लेके क्या आस्वादन आएगा, जब इतने सारे डिवोटीज हैं, हम कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, अच्छा लगता है? नहीं लगता है। अभी हम कीर्तन कर रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था। अब घर में आप अपने वो गधों वाली आवाज में कुछ गा रहे हो गए, अब खुद भी मजा नहीं आएगा, भगवान भी कहेंगे क्या हो रहा है भाई। ठीक है, भाव होता है, मगर भाव की अलग बात है। या मगर वल्लभाचार्य कुल में एक डिवोटी थे, बहुत बड़े डिवोटी, परमानंद दास। मतलब आपको पता है वल्लभाचार्य के जितने डिसाइपल थे सब बहुत बड़े सिंगर्स थे, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद। तो परमानंद दास एक बार बैठे हुए थे, तो एक ऐसी वैरागी आया वृंदावन में, तो गा रहा था भजन, तो परमानंद दास ने कहा यार तू चुप रहे, तू गा मत। तो उसने कहा क्यों? तो उसने कहा तूने मतलब अपनी आवाज सुनी है कभी? तो उसने कहा क्या है, मैं कृष्ण के लिए भाव से गा रहा हूं, तो मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, वृंदावन है, ब्रजभूमि है, भाव से गा रहा हूं। तो परमानंद दास ने कहा भैया तू भाव से तो गा रहा है, मगर कृष्णा मूर्ख नहीं है, भाव ग्राही है, मूर्ख ग्राही नहीं है। तो मूर्ख है तू, अगर तुझे भाव से गाना है तो तूने सीखा क्यों नहीं गाना थोड़ा सा, है नहीं? अगर इतना ही गाना है तो थोड़ा सा सीख भी लेता, थोड़ी मेहनत ही कर लेता सीखने में, और ऐवे कुछ भी गाया जा रहा है। तो फिर परमानंद दास ने कहा कि परमानंद दास रोज भगवान के लिए गाते थे अलग अलग रागों में। वल्लभ संप्रदाय में ये ट्रेंड है, आजकल तो पता नहीं क्या करते हैं वो, आजकल भी जो अच्छे कुलों में चलता है, मगर ये ट्रेंड है कि वो रागों में गाते हैं टाइम के हिसाब से, मतलब कुछ होता है उनका क्लासिकल। तो परमानंद दास ने कहा कि आज से मैं तो वो वैरागी ना कुछ ऐसी तो राग गाने ऐसे ही अपने कोई राग में गा रहा था, सड़ा दिया उसने राग एक, तो भैरव राग होता है ना, सॉन्ग उसमें बना हुआ था और वो गाने की कोशिश कर रहा था, जैसे हम लोग नहीं गाते संसार दाहा ना लाली ढालो, वो एक राग है वो, तो हम कोशिश करते हैं मगर, तो वो ऐसी कोशिश कर रहा था कुछ, सड़ा दिया भैरव राग। तो उन्होंने कहा तूने भैरव राग सड़ाया, तूने अब से मैं भगवान के लिए कभी राग नहीं गाऊंगा मैं, उन्हें खराब कर दिया रागे गागू के। सो दैट्स व्हाट ही अबाउट दैट, मतलब एनीवे प्रभुपाद ने बोला है अगर भगवान के लिए इतना भाव है तो अपने को ट्रेन करो, है नहीं? इस्कॉन में कई डिवोटीज हैं 25-25 साल से, उनको करताल बजाना नहीं आता, मतलब प्रभुपाद डिसाइपल्स मतलब है 40 साल से करताल बजाना नहीं आता, मृदंग नहीं आता, ब्रह्मचारी की बात करो, मतलब चलो हाउस होल्डर्स तो फिर भी टाइम नहीं होता था, ब्रह्मचारी नहीं आता। अब आप मुझे बताओ 40 साल से आप मृदंग नहीं सीख सकते, 25 साल से मृदंग नहीं सीख सकते, मतलब आप में इतना भाव है कि आप मृदंग बजाना ही भूल गए? नहीं, ऐसा तो नहीं है, टाइम ही नहीं मिला इतने भाव में, बह गए भाव में, है नहीं? सो प्रभुपाद ने बोला है कि इमोशंस आर एक्सप्रेस थ्रू एक्शंस, एक फिलोसफर ने भी बोला है, अपने भाव क्रिया से व्यक्त होते हैं, होते नहीं होते हैं, क्रिया से व्यक्त होते हैं भाव। सो दैट यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ, ट्रेन। एक भी दिन ऐसा नहीं जाए जिस दिन आप कुछ सीखो ना, कुछ हमेशा कुछ ना कुछ ऐड होना चाहिए आपके लाइफ में, कृष्णा कॉन्शियस में। तो आज आप देखो, आज आपके लाइफ में क्या ऐड हुआ है, क्या सीखा आपने भक्ति में? अपनी डायरी में डायरी लिखो, रोज प्रभुपाद लिखते थे, और उसमें लिखो आज मैंने भक्ति में नया क्या सीखा। तो आप देखना कि आप लिख के देख लो, आप देखना कि महीनों बीत जाएंगे, अंडा 00 भरे पड़े होंगे। आप देखना, आप डायरी बनाओ, आपको पता लगेगा, लिखोगे ना तो पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा, लिख के समझ आता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ऐसे वरना हवा में बातें उड़ जाती हैं। सब लिखो, रोज लिखो कि आज मैंने क्या नया सीखा भक्ति में, क्या ऐड हुआ है मेरी लाइफ में। तो बूंद बूंद से क्या, बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर आप एक साल रोज कुछ नया नया सीखते रहोगे 365 दिन, तो एक साल बाद आप सुपरमैन बन जाओगे, इस्कॉन के, राजपुरा के, इस्कॉन राजपुरा के सुपरमैन और सुपर गर्ल, आप लोग सुपर गर्ल, इतना कुछ सीख जाओगे, बहुत कुछ सीख जाओ। 2 साल कर लिया तो पता नहीं आपको क्या क्या आ जाएगा। सो दैट्स व्हाट वी शुड बी डूइंग आइडियली। सो इस तरह से ये बैलेंस चलता है, नहीं, ये बैलेंस चलता है इस तरह से। सो दैट बैलेंस यू हैव टू डू
महाप्रभु सिखा रहे हैं अपने जीवन से। ऐ मत महाप्रभु सुखे काल जाए, कृष्णेरा विरह विकार अंगे नाना होए। सो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का सुख में टाइम बीत रहा था, टाइम में चलता रहा चलता रहा। जब भक्त भक्ति में होता है तो समय का पता नहीं लगता है, नहीं ऐसे हम लोग प्रीचिंग करते रहते हैं, हम लोग भक्ति करते रहते हैं, एक साल तो हमें समझ ही नहीं आता कैसे निकल गया। आप लोगों को भी ऐसे लगता है? नहीं, बाहर जो काम कर रहे हैं आप लोगों को भी ऐसे लगता है एक साल निकल गया? नहीं, एक साल तो जल्दी चला आता है, नहीं यूं चला आता है? हमारे लिए तो ऐसे चला आता है, हमारे तो जनवरी होती है ऐसा लगता है अभी दिसंबर आ जाएगा, क्योंकि पूरा पैक्ड ही हम, अभी यहाँ पे जाना है, अभी फिर वहां, अभी फिर मायापुर जाना है, फिर उसके बाद बुक राइटिंग करनी है, फिर उसके बाद गुजरात जाना है, फिर उसके बाद हमें प्रीचिंग झारखंड जाना है, फिर उसके बाद अमेरिका जाना है, फिर यूरोप जाना है, फिर झारखंड जाना है, फिर जनवरी आगे खत्म हो गया, बस फिनिश। हम पैक्ड है ना, हमें पता है ना भगवान की सर्विस में, जिसमें हमें पता नहीं लगता टाइम बीत जाता है ऐसे, कितना अच्छा है नहीं टाइम भगवान की सेवा में। जब आप खुश हो गए ना तो समय छोटा हो जाएगा, जब दुखी हो गए तो समय बड़ा हो नहीं जाता, नहीं एक सेकंड भी इतना भारी लगता है कैसे बीतेगा। जब सुखी होते हैं तो यूं निकल जाता है, जैसे कल गौर पूर्णिमा थी पता ही नहीं लगा,